इसराइल और लेबनान का संघर्ष आए दिन नया मोड़ ले रहा है। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर आग बरस रहा है, कभी ड्रोन तो कभी रॉकेट अटैक से इसराइली ठिकानों में जमकर तबाही जारी है। हिजबुल्ला ने अपने हमलों से साफ संदेश दिया है कि वह इसराइल के खिलाफ बड़े और लंबे युद्ध के लिए भी तैयार है। उत्तरी इसराइल का हर कोना लड़ाकों के हमलों से दहल रहा है। हालांकि इसराइल भी करारा जवाब देते हुए हिजबुल्ला को सीधी चुनौती दे रहा है। हमास के साथ जहां गाजा में इजरायली सेना भिड़ रही है, वहीं इजराइल लेबनान बॉर्डर में भी जंग का एक और मोर्चा खुला हुआ है। इस कड़ी में हिजबुल्ला ने बताया कि 19 अगस्त साल 2024 को उसके लड़ाकों ने यारा और सेंट जीन के इजरायली सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है। एक साथ कई ड्रोनों के झुंड के जरिए हमला कर इजरायली असेंबली पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। इस दौरान समूह ने बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों के नुकसान का दावा किया है। हिजबुल्ला ने अपने ताजा बयान में बताया कि यारा मिलिट्री बेस पर इजरायली बलों की 300वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड के मुख्यालय को बड़ी हानि पहुंची है। वहीं सेंट जीन बेस में इजरायली सेना की उत्तरी कमान का लॉजिस्टिक बेस था, वहां भी लड़ाकों ने चोट पहुंचाने का दावा किया है। समूह ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमला दक्षिणी शहर टायर के पास कदमोस इलाके में एक इजरायली ऑपरेशन के प्रतिशोध में था। ड्रोन हमले के अलावा हिजबुल्ला ने इजरायली जारिड बैरक और पास के असेंबली पॉइंट पर रॉकेट और तोपखाने से हमला किया। बैरक के कुछ हिस्सों को दबा कर दिया गया, जिससे उसमें आग लग गई। समूह ने बताया कि यह ऑपरेशन दक्षिणी लेबनानी गांवों, खासतौर से बटोली शहर पर इजरायली हमलों के जवाब में था। लेबनानी प्रतिरोध के घातक ड्रोन ने पश्चिमी अल जलील में बनाए गए नए इजरायली मिलिट्री साइट को भी निशाने पर लिया। इजरायली अखबार हेडशॉट हामोट ने इलाके में एक सैनिक की मौत की पुष्टि की, साथ ही 6 घायलों की भी जानकारी दी। इजरायली मीडिया ने कहा कि यारा पर हमला एक गंभीर घटना थी। इजरायली मारीव अखबार ने नहारी इलाके को निशाना बनाने वाले रॉकेट बैराज को असामान्य बताया। एक इजरायली मीडिया आउटलेट ने कहा कि उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन पर बमबारी कर हिजबुल्ला गुस्से में जाग उठा। वहीं इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला के रॉकेटों से इजरायल की उत्तरी बस्तियों को हुए महत्वपूर्ण नुकसान का खुलासा किया है, जो उन इलाकों में बसने वाले इजरायलियों में डर और दहशत को उजागर करता है। इस बीच हिजबुल्ला समूह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली फौज के दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ को रोका है। माना जा रहा है कि इजरायल लेबनान में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। हिजबुल्ला लड़ाकों ने कड़ी निगरानी रखते हुए इजरायली बलों के एक समूह पर गोलाबारी की, साथ ही रॉकेटों से भी बौछार की। बताया जाता है कि इजरायली सैनिक हदाब एता फॉरेस्ट एरिया से लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिरोध समूह ने कहा कि हमले में इजरायली फौज हताहत हुई। आखिरकार सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली बलों की घुसपैठ से गुस्साए हिजबुल्ला समूह ने उत्तरी फ्रंट पर भीषण हमलों को अंजाम दिया। लेबनानी प्रतिरोध ने तोपखाने के गोले से कब्जे वाले शीबा फार्म में इजरायली फौज के जेबदीन बैरकों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने मिसाइलों से रामिम बेस को निशाना बनाने का भी दावा कर इसराइल को बड़ा झटका दिया। इसराइली मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि हिजबुल्ला वास्तव में हमला करेगा, वह केवल उचित समय का इंतजार कर रहा है। गाजा में इसराइलियों का भाग्य और बसने वालों की उन बस्तियों में लौटने की इच्छा जिन्हें उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसराइल के लिए अनिश्चितता के हालात में लंबे समय तक इंतजार करने से चिंता बड़ी है। ईरान या हिजबुल्ला की जवाबी कार्रवाई मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं हो सकती है। इसमें मंत्रियों, नेसेट सदस्यों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और मोसाद की हत्या भी शामिल हो सकती है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच की तनातनी का दौर आने वाले समय में क्या नया रुख लेता है। क्या ये बड़े युद्ध से पहले का मात्र नमूना है, या फिर दोनों पक्ष महज एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमला कर तनाव भरे माहौल को बरकरार रखते हैं।